सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय किचन। मेरे यूट्यूब चैनल और किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही मस्त, टेस्टी, मज़ेदार, चटाकेदार, दमदार रेसिपी, जो कि है बहुत ही यूनिक। और ये रेसिपी है यहाँ प्रताप, हमारे प्रतापगढ़ की फेमस रेसिपी, जो कि यहीं पे ज़्यादातर इसे पाया मिलता है। सो आप लोग गेस कीजिए कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। आई नो नहीं गेस कर पाओगे, सो मैं ही बता देती हूँ। ये है बहुत ही, क्या कहते हैं, इसमें बहुत ही फ़ायदा होता है, बहुत इससे हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है, इससे हमारी आई साइड वीक नहीं होती, हमारे बालों के लिए ये फ़ायदा करता है, हमारे हेल्थ में, हमारी हेल्थ को फ़ायदा करता है। और अगर बीमार हो गए और इसे खा लिया तो हमारे स्वास्थ्य को भी ये बहुत ही फ़ायदा करता है। सो अब तो आप लोग गेस कर ही सकते हैं, चलिए मैं ही बता देती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ आंवले का लड्डू। फ्रेंड्स, लड्डू तो आपने बहुत ही खाए होंगे, पर लेकिन ऐसा टेस्टी और हेल्थी लड्डू शायद आपने कभी नहीं खाया हो। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और आंवला केवल सर्दियों में ही ज़्यादातर पाया जाता है, और ये प्रतापगढ़ का फेमस है और ये प्रतापगढ़, हमारे प्रतापगढ़ में ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये मेरे घर में भी है, मेरे घर में आंवले का बगीचा है और उसी से, पेड़ से हमने आंवला तोड़ा है और उसकी बनाई है मज़ेदार टेस्टी आंवले का लड्डू। सो चलिए मैं आपको, आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने आंवला ले लिया है और आंवले को ऐसे आंवले की घिसाई कर ली है। इसमें फिर ज़्यादा मेहनत से ये घिसाई करने में ही है और इसे हाथ भी काले पड़ जाते हैं। ये जो आंवला है हमारे बालों के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, बाल हमारे पे बिल्कुल काले कर देता है। फिर मैंने इसको कर लिया था फ्राई और उसके बाद घी डाल के और बादाम डाल के, सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे काफ़ी देर तक चलाना पड़ा, काफ़ी देर तक इसको हमने फ्राई किया। और उसके बाद इसके हमने छोटे छोटे बॉल्स बनाए लड्डू, ये देख सकते हैं आप लोग। आंवला जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और क्या कहते हैं, इसे बहुत ही फ़ायदे भी होते हैं और इसे खाने से हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और जैसा कि हमें तो रोज़ आंवला खाना चाहिए, एक ठंडियों में बना के रख लो और उसके बाद पूरी सर्दियाँ खाते रहो, और इससे आपका टेस्ट भी आएगा, हेल्थ भी होगा, हेल्थ भी अच्छा होगा और बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। सो मैंने तो बना लिया है लड्डू, और आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी फुल देखिएगा। तब तक के लिए बाय।